इस बुलेटिन के आखिर में करते हैं जनता से जुड़ी बात। देश में जल्द ही लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और आप सभी ये बात जानते होंगे कि चुनाव ईवीएम से होता है। हालांकि कई लोगों के मन में सवाल भी है ईवीएम को लेके, जैसे ईवीएम मशीन काम कैसे करती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईवीएम का पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे उसमें वोट स्टोर होता है। चुनावी प्रक्रिया के अंदर ईवीएम मशीन काफी अहम भूमिका अदा करती है। ईवीएम के जरिए ही मतदाता अपना मत देते हैं और प्रत्याशी की जीत और हार तय करते हैं। अब आपको बताते हैं कि ईवीएम मशीन कैसे काम करती है। ईवीएम में दो यूनिट होती हैं, कंट्रोल यूनिट और बैलेटिंग यूनिट। ये दोनों यूनिट एक 5 मीटर के केबल से जुड़ी होती है। कंट्रोल यूनिट पीठासीन अधिकारी यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर के पास होती है। बैलेटिंग यूनिट वोटिंग कंपार्टमेंट में रखी जाती है। इस जगह पर आकर लोग वोट डालते हैं। पीठासीन अधिकारी वोटर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है और फिर कंट्रोल यूनिट का बैलेट बटन दबाता है। इसके बाद वोटर बैलेटिंग यूनिट पर मौजूद कैंडिडेट और उसके चुनाव चिन्ह के सामने वाला नीला बटन दबाकर वोट करता है। अब तो ईवीएम के साथ में वीवीपैट भी आने लगा है। इसमें एक पर्ची निकलती है जिसमें से जिस कैंडिडेट को वोट डाला गया उसकी तस्वीर और चुनाव चिन्ह दिखाई देता है। इससे आपको पता चल जाता है कि वोट सही डाला है या नहीं।